स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। और कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र पे कहाँ से? सांगली से। ठीक है, तो पहले से काम करते थे कि फ्रेशर है? फ्रेशर ही हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा काम करता था। अभी अपने आप को फ्रेशर मानते क्या? अभी नहीं फ्रेशर मानता, मेरा क्लियर हो गया जो सोच के आए थे मिला। अभी ये ब्लैक पेस्टर है, इसी हार्ड ग्लू ओप्पो वीवो का कोई ऑन सेट दे तो ऐसी निकाल के क्लीन करके कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं ना प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप सेट लाए थे साथ में रिपेयर करें आप खुद? ऑन हुए आपके? हाँ। तो यहाँ क्योंकि जो 20 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, तो कैसा रहा 20 दिन का सफ़र? 20 दिन का सफ़र अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई आके यहाँ पे सीखना चाहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आना चाहे तो जरूर आ सकते, सब अच्छा तरीके से इधर सिखाते हैं। मराठी में बोलेंगे थोड़ा सा? हाँ मराठी में बोलो। मराठी में किसी को बोलना चाहते हो? इकडे बिंदास येऊ शकता, कारण मी तर सगळं हार्डवेअर सॉफ्टवेअर सगळं व्यवस्थित शिकवलं जाईल, पूर्णपणे शिकायला मिळेल, चांगल्या पद्धतीचे इथं शिक्षण दिलं जाईल। आणि जर शिकायचं असेल तर परफेक्टच इथं केलं जाईल, त्यामुळे बिंदास तर कुणाला यायचं असेल तर येऊ शकतो। जो सोच के आया था मिला आपको? हाँ, मिला। सैटिस्फाई है कि नहीं है? हाँ, सैटिस्फाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच सूरज। हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलो, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक माइक्रोस्कोप यहाँ पे खोलते हुए और इसको पूरा सेटअप करके बताएंगे आपको और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोस्कोप को अंदर आप देखेंगे, इस तरह का एक यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि वीडियो में मैं पूरा बता दूंगा आपको। ये एक मैकेनिक कंपनी का माइक्रोस्कोप है और देखते हैं इसमें दो तरह के आते हैं, एक विद कैमरा आता है ऑप्शन और एक विदाउट कैमरा ऑप्शन का आपको मिलेगा। तो चलिए इसे खोल देते हैं फटाफट। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इस तरह का एक हैंडल आपको मिल जाएगा जिसपे आपको माइक्रोस्कोप आपको लगाना है। ये एक स्टैंड के ऊपर ये लगता है और मैं स्टैंड भी आपको बता दूंगा वहाँ से स्टैंड लाना। और एक इस तरह का कवर आता है आपको माइक्रोस्कोप पे, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो डस्ट वगैरह ना जाए लेंस में, तो ये हमारा कुछ काम का है नहीं, वैसे इसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक इस तरह का एक आपको नीचे प्लेट मिलेगा जिसके ऊपर यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप को फिट करना होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्टैंड है यहाँ पे आप होल्स देख रहे हैं स्क्रू, ये इस तरह से यहाँ पे फिट हो जाएगा इसमें और यहीं पे हमको स्क्रू फिट करने होते हैं नीचे और यहाँ पे हमको माइक्रोस्कोप लगाना होता है। मैं अभी आपको लगा के बताऊँगा, इसको भी बाजू रख दो। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक होल्डर आएगा आपको और यहाँ पे कैमरे के लिए जो ऑप्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, कैमरे के जूम करने के लिए इस तरह का एक टूल आपको मिलेगा, ये खोल के बताना चाहूँगा मैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का, ये देखिए जूमिंग के लिए एक ऑप्शन आता है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर कैमरे के साथ आप लेते हैं तो ये आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो जूम इन जूम आउट है वो नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रबर आते हैं जो हम ऊपर लगाते हैं, जिससे हमें कभी यूज़ करते हैं कोई यूज़ नहीं करता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो दो टाइप के रबर इसने दिए हैं, ये भी एक टाइप के रबर्स है जो कि यहाँ पे आपको लग जाएंगे। तो ये थोड़ा खोलना, नहीं बैठ जाओ तो इसके ऊपर खोलो, खोलो निकालो। तो ये देखिए फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप, और अभी मैं इसको पूरा फिट करके भी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रबर हम लगाते हैं यहाँ पे ऊपर लगाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसके ऊपर एक ढक्कन इस तरह का दिया गया है और इसके नीचे इसको इस तरह से आपको निकाल देना है और यहाँ पे आपको फिट करने होते हैं लेंस हमारे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस है, थोड़ा सा खोलना इसको, उसको रख देना। तो ये माइक्रोस्कोप में क्या क्या आपको मिलता है मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे लेंस आते हैं और यहाँ पे इसे फिट करने के लिए हो सकता है कुछ स्क्रू वगैरह मिल जाए, तो यहाँ पे इसके लिए स्क्रू का ऑप्शन देता है या तो फिर आप इसमें इसको इस तरह से इसमें फिट करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको लगाओ, स्क्रू यहाँ पे साइड में होगा इसके, ये देख सकते हैं एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे है और ये स्क्रू हमको थोड़ा सा खोलना होगा, उसके बाद इसको अंदर इस तरह से डाल के हमको इसे स्क्रू को फिर वापस से टाइट कर देना है। और इसको खोलने के लिए देखते हैं यहाँ पे कुछ दिया है उसने, देखिए यहाँ पे इस तरह का एक टूल दिया गया है स्क्रू खोलने के लिए। तो चलिए खोलिए इसे और दोनों पे फिट कर देते हैं और वो स्टैंड लेके, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खोलने के बाद आपको इसे इस तरह से
अंडर डालना है और यहाँ पे स्क्रू दिया गया है, इसको फिट कर देते हैं। चलिए बाजू वाला भी डाल दो। एक और लेंस यहाँ पे रखा है तो ये लेंस भी हम खोल लेते हैं। चलिए इसमें से बाजू वाला जो दूसरा लेंस है उसे भी निकाल लेते हैं। टेन एंड टू 20। ये इस पे इस तरह से लिखा होगा आपको। और बाजू वाले में भी एक स्क्रू लगा है, इसे भी खोल लेते हैं और उसके बाद इस तरह से इसमें फिट कर लेते हैं। ठीक है, वापस से आपको स्क्रू को इस तरह से फिट कर देना है। तो ये माइक्रोस्कोप फिटिंग का एक पूरा वीडियो है, आपको ज़रूर देखिए। मैकेनिक का जो है एक अच्छा ब्रांड होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, रिलाइफ का आता है और भी सनशाइन का भी आता है और बहुत सारे माइक्रोस्कोप है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये एक आपको मैकेनिक का MC75T का मैं आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंड को फिट कर लेते हैं, उसके स्क्रूज यहाँ पे स्टैंड के स्क्रूज है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, ऊपर स्क्रू ले लेना, स्क्रू खोलो। तो जो स्क्रू है फ्रेंड्स, हमको यहाँ नीचे से फिट करने हैं और ये हमारा स्टैंड है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, बताना थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक स्क्रू के साथ इस तरह का वॉचर आएगा, आपको पहले लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एलन की से टाइट होता है, तो इस तरह से आपको उसे टाइट कर देना है। चलिए मैं फिट करके बताता हूँ आपको। लगाओ, सही से लगाओ, थोड़ा तीनों एक साथ लगाओ, अच्छे से मैच करो। तो तीन स्क्रू यहाँ पे है, अच्छे से आपको मैच करना है, अदरवाइज ये फिट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों स्क्रू नीचे से आपने को यहाँ पे फिट करना है और इसके लिए एक एलन की आती है, उसी से टाइट होगा ये। बताना, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्क्रू जो है एलन की से ही टाइट होगा। तो चलिए इसको टाइट कर दो, उसकी है कि बड़ी है, इसी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये स्क्रू आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि ये लूज ना हो। ठीक है, ये प्लेट को सबसे पहले स्टैंड हम फिट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद माइक्रोस्कोप लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इस तरह से स्टैंड को फिट कर दिया है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह का जो दूसरा हमारा माइक्रोस्कोप जिसके ऊपर यहाँ पे फिक्स होगा, इसको लगाते हैं। तो इस तरह से लगाना, तो ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक होल्डिंग के लिए एक दिया गया है, उसके बाद इसको साइड में करना, तो उसको हाँ उसको साइड में फिट करना, साइड में जाना है ऐसा पीछे। ठीक है, पीछे के साइड अपने को रखना है, उसके बाद थोड़ा अंदर जाना उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह से माइक्रोस्कोप का जो स्टैंड है ये फिट हो चुका है और अभी हम इसमें लगाएंगे माइक्रोस्कोप। तो उसका हाँ, यहाँ पे नीचे इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह का ये एक कैप होगा, इसे ओपन करना है और यहाँ पे लगता है हमारा लेंस। तो यहाँ पे आप 5x का 0x का लेंस लगा सकते हैं या 7x का भी लगा सकते हैं। सिर्फ हाइट का डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, 5x का थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर होता है और जो इसका 7x होता है उसका थोड़ा सा नीचे होता है। ये देखिए इस तरह का कैप है यहाँ पे, तो इस तरह का कैप आपको यहाँ पे नीचे लगाना है सेफ्टी के लिए, ताकि कभी आप रोजन का यूज़ कर रहे हैं या कुछ डस्ट चला जाए तो अंदर के लेंस ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इस तरह के लेंस हैं यहाँ पे, तो ये कैप ज़रूर लगाइए, अदरवाइज़ आपका माइक्रोस्कोप बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हम जब रोजन का यूज़ करते हैं या कभी आयरन से हम क्लीनिंग करते हैं तो धुआं जो है लेंस में चले जाने के कारण आपका माइक्रोस्कोप ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हाँ फिट कर दो, और अगर आप कभी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये स्टैंड ये कैप को बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं और माइक्रोस्कोप हम फटाफट फिट कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइक्रोस्कोप को इस तरह से रखना है और यहाँ पे साइड में एक लॉक दिया गया है, अदरवाइज वो ये इस तरह से घूमता रहेगा। तो यहाँ पे आपको इसे टाइट कर देना है। तो जब ये टाइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से घूमेगा नहीं। और यहाँ पे दो रबर दिए गए हैं इस तरह के, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से रबर का भी आप लगा सकते हैं। और आपको इसमें सेटिंग्स जो है आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से आपके फेस के हिसाब से कितना आपको चाहिए इतना कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आपको अगर ऊपर करना है, हाइट थोड़ी सी बढ़ानी है या नीचे करना है हाइट, तो आप इसे नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो लेंस लगेगा 5x का, मैं आपको लेंस भी बता देता हूँ यहाँ पर। और हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 0x7x का लेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.7x। तो इसको खोल दो फटाफट, नीचे लगाना। तो यहाँ पे जो ये एक हमने सेफ्टी के लिए लगाया था, तो इसको भी खोल देते हैं थोड़ा, इसको खोलो और यहाँ पे लेंस निकालो बाहर पहले। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा लेंस है और इस पे 0.7x लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है ना, आपको ये ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, माइक्रोस्कोप आपका SMD आपका चला जाएगा आराम से, आप इसमें काम कर सकते हैं, रिबॉलिंग कर सकते हैं। तो ये पहले लगाना है आपको लेंस, ताकि आपकी हाइट ऊपर हो जाए, अदरवाइज़ आप अगर लेंस नहीं लगाएंगे तो ये इतना नीचे आ जाएगा और आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लेंस लगाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। क्या करेंगे हम, ये लेंस यहाँ पे लगाने से पहले इसके नीचे जो है ये सेफ्टी के लिए जो कैप दिया गया है, यहाँ रखना हाथ पे, ये जो कैप दिया गया है ये कैप पहले सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद इसे लेंस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से लेंस के सामने आपको ये एक ग्लास का सेफ्टी के लिए एक ग्लास दिया गया है, ताकि धुआं हमारा अंदर ना जाए, डस्ट ना जाए। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंस लगा देते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने लेंस भी लगा दिया है और ये हमारा अभी रेडी हो गया है माइक्रोस्कोप। और जो हम कैमरा लगाते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए कैमरे के लिए इस तरह का आपको ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हम आपको इस तरह से यहाँ पे लगाना होता है और हमारा कैमरा यहाँ पे लगता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे आपको इस तरह की LED लाइट आती है, ये आपको लगानी पड़ेगी, ये माइक्रोस्कोप के साथ ही आपको मिलेगी, तो अदरवाइज़ आपके माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे इसके जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको 3 इस तरह के, इसे लूज़ कर लेना है और आपको इसे लेंस के ऊपर लगाना है, ताकि आपका जो SMD है इसके नीचे जाए और प्रॉपर आप काम कर सके, रिवॉल्विंग कर सके। तो इसे पीछे पलटा के इस तरह से लगाइए और पीछे इसके एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए, और साइड में ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए एक स्विच दिया गया है। और यहाँ पे इसका जो प्लग आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ही न्यू टाइप का, जैसे कि यहाँ पे सामने आपको एक अडेप्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास सॉकेट में ये नहीं बैठेगा, इस तरह का आपको सामने इसके अडेप्टर लगा लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में एक स्विच दिया गया है, उसे ऑन कर लीजिए और इसकी जो ब्राइटनेस है इसे पूरी बढ़ा लेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसकी लाइट है, LED की जो लाइट आ रही है बहुत ही ब्राइट आ रही है। और यहाँ पर अगर आप PCB रख के चेक करेंगे तो एकदम से क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसकी लाइट भी बहुत ही अच्छी है। और माइक्रोस्कोप की जो क्वालिटी है फ्रेंड, मैकेनिक कंपनी की बहुत ही अच्छी होती है, आप ये माइक्रोस्कोप ज़रूर ट्राई करिए। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए आप, कितना प्यारा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। और ये अच्छे से आप यूज़ करेंगे तो ये ज़रूर लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोस्कोप पूरी तरह से सेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक और कलर कॉम्बिनेशन भी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहिए फ़ोनफिक्स हैदराबाद की पूरी टीम के साथ। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स हमने बताए हैं, पिछला वीडियो भी टूल के ऊपर हमने बनाया था। तो इस तरह के नए नए टूल्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए और आपको हेल्प करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए फ़ोनफिक्स हैदराबाद की पूरी टीम के साथ। और अगर आप सीखना चाहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC के रिलेटेड, तो कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है आपको अगस्त में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।